बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ब्रास टैक्स की सर्वाइवल और होम डिफेंस सीरीज में वेलकम। आज हम आपको जो वीडियो आपके लिए रिकॉर्ड कर रहे हैं वो ये है कि रेंज पर जाकर आप अब फायरिंग प्रैक्टिस करेंगे। अब आप अपने वेपन्स को फायर करेंगे, अपने वेपन्स को इस्तेमाल करेंगे। आप ये देखेंगे कि रेंज पे आपको जब आप ट्रेनिंग के लिए जाते हैं तो आपको किस इक्विपमेंट की ज़रूरत होती है वहाँ पर, और फिर फायरिंग किस तरह की जाती है। आज प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन आपको हम देंगे फायर करके प्रॉपर रेंज पे जाके। मगर उससे पहले थोड़ी सी ब्रीफिंग देने की ज़रूरत है आपको। वो ये कि जब आप रेंज पे जाने की बात करते हैं तो क्या इक्विपमेंट आपको साथ लेकर जाना है। अब जाहिर है रेंज शहर से बाहर एक जगह बनी हुई होती है। रेंज एक जगह है कि जहाँ पर जाके आपने अपनी फायरिंग करनी है, और हर जिस तरह पिकनिक पर जाने से पहले आपको एक तैयारी करनी होती है, उसी तरह फायरिंग रेंज पर जाने से पहले भी आपको एक तैयारी करनी है। और जो बेसिक इक्विपमेंट आपको रेंज के लिए चाहिए वो क्या होगा। मिसाल सबसे पहले जैसे हमने कहा कि आपको अपने वेपन्स की ज़रूरत है। जिस वेपन को आपने फायर करना है, जिस वेपन को आपने इस्तेमाल करना है, वो वेपन आपके पास पूरी तरह तैयार होना चाहिए। उस पर टेलीस्कोप लगी हुई है, इसकी राइफल मौजूद है, इसके स्टैंड्स लगे हुए हैं, इसके साथ एमुनेशन मौजूद है। राइफल और एमुनेशन एक तो बेसिक फंडामेंटल रिक्वायरमेंट है, जाहिर है इसके बगैर रेंज पर जाके आप क्या करेंगे। सो फर्स्ट रिक्वायरमेंट इज कि वट एवर वेपन दैट यू वॉन्ट टू टेक। हम इस दफ़ा रेंज पर जाके जो फायर करेंगे ये 7mm की हंटिंग राइफल है, जिसमें टेलीस्कोप लगा हुआ है। बेसिकली ये स्नाइपर राइफल के तौर पर भी इस्तेमाल होती है। सो दिस राइफल विल बी वन जिसको विल शो यू। सेकंड इज़ दी असॉल्ट राइफल AK-47 क्लाशनकॉफ जिसे आप कहते हैं। तो ये इसको किस तरह फायर किया जाता है, इसके मुख्तलिफ पोजिशन क्या हैं, इसका क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। सो नेचुरली इसका मतलब है कि हम इस राइफल को भी अपने पास रखेंगे और इसका एमओ भी अपने साथ रखेंगे जो हमने रेंज पर फायर करना है। दूसरी जो चीज़ जो हमें जाहिर है, जब आप फायर करेंगे, प्रैक्टिस फायर करेंगे, तो आपको टारगेट्स की ज़रूरत है। और टारगेट्स अगर रेंज पे नहीं है तो आपको अपने साथ लेके जाने पड़ेंगे। जैसे हमने यहाँ पर ये टारगेट्स बनाए हुए हैं, ये आपने देखा है कि एक बेंच हमने बनाया है। इस बेंच के साथ इसके ऊपर ये हमने लकड़ी के टारगेट्स बनाए हैं, नीचे मेटल प्लेट है। लिहाजा अगर हम इसको 100 गज, 200 गज, 300 गज से भी फायर करें तो मेटल प्लेट पर जब गोली लगती है तो वो टन की आवाज़ भी आती है, प्लेट हिलती है, आपको पता लगता है कि आपने टारगेट पर हिट किया। ये इनमें से गोली गुजर जाती है तो आपको सिर्फ टेलीस्कोप से बहुत दूर से देखना पड़ता है कि गोली आपने कहाँ हिट की है। लेकिन मेटल प्लेट का फ़ायदा ये होता है कि आपको करीब जाके नहीं देखना पड़ता, टेलीस्कोप से नहीं देखना पड़ता, वो मेटल प्लेट की आवाज़ बता देती है कि गोली इसको हिट की है। सो और ये टारगेट्स बाज़ार में आमतौर पर मिलते नहीं हैं, हमने ये ख़ुद बनवाए हैं। यानी हमने लकड़ी का बेंच भी बनवाया है, मेटल की प्लेट्स पर जंजीरें लगा कर, उसके साथ जितने भी टारगेट्स लगे हुए हैं ये सब हमने बनाए हैं। और जिस ज़रूरत होती है तो उसके ऊपर हम कागज़ चिपका के इसको बार बार इस्तेमाल करते रहते हैं। सो ये टारगेट्स हमारे साथ, हमारी गन्स और एम्यूनिशन के साथ ये टारगेट्स भी हमेशा साथ होते हैं। इसके अलावा जो चीज़ आपको चाहिए वो ये कि आप देख रहे हैं कि मैंने हाथ में ग्लव्स पहने हुए हैं। रेंज पर जब आप जाते हैं तो टैक्टिकल ग्लव्स हैं ये, इनको इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वहाँ बहुत काम करना होता है हथियारों के इस्तेमाल में भी। दीज आर यूज़फुल, आपके हाथ जख्मी नहीं होते। और ये मैंने लोड बेयरिंग वेस्ट LBV पहनी हुई है। इसमें अगर मैंने क्लाशनकोफ है उसके मैगजीन्स रखे जाते हैं यहाँ पे, अगर मैंने पिस्टल लगाना है तो पिस्टल मेरे साथ होता है। ये एक आउटडोर फील्ड एक्टिविटी के लिए आप देखेंगे, इसीलिए हमारे जितने भी आर्म फोर्सेस मुसल्ला अफवाज के लोग हैं जब भी फील्ड में एक्सरसाइज पे जाते हैं तो वो हमेशा ये LBV पहनते हैं, जिसके अंदर एम्यूनिशन पाउचेस, मेडिकल पाउच चीज़ें, सारी ज़रूरत की चीज़ें उनके साथ होती हैं। जब आप किसी कंट्रोल्ड रेंज पर जाते हैं, आर्मी या पुलिस की रेंज है जहाँ पर आप जाके फायर कर रहे हैं, तो वहाँ आपको LBV की शायद ज़रूरत ना पड़े क्योंकि इक्विपमेंट सारा कंट्रोल एनवायरनमेंट होती है। लेकिन जब आप फील्ड में जाते हैं, जंगल में जाते हैं, डेजर्ट में जाते हैं जहाँ पर आप, तो वहाँ फिर आपको इक्विपमेंट अपने साथ रखने के लिए इसकी ज़रूरत होती है। इसी तरह ये नी गार्ड्स हैं, ये घुटनों के ऊपर आप पहनते हैं क्योंकि जब आप झुक के या किसी नीलिंग पोजिशन में फायर करेंगे तो वरना ट्राउजर जख्मी होती है, घुटने जख्मी होते हैं, पत्थरों से टकराते हैं, तकलीफ होती है। इसी तरीके से ये एल्बो गार्ड्स हैं, ये आप देखा मोटरसाइकिल और साइकिल चलाते हुए बच्चे भी अक्सर अपने कोहनियों पे पहनते हैं क्योंकि जब आप पोजीशन करते हैं, हाथ रख के फायर करते हैं, तो आपकी कोहनियाँ हमेशा ज़ख्मी होती हैं। एक और बहुत ही कीमती इक्विपमेंट जो आपको रेंज पे चाहिए होता है वो ये छोटा सा रेंज फाइंडर है, ये लेज़र रेंज फाइंडर कहलाता है। ये एक छोटी सी दूरबीन नुमा इक्विपमेंट होता है जिसमें ये बटन लगे हुए हैं, आप देख रहे हैं कि जब आप इसमें से टारगेट को देखते हैं और बटन दबाते हैं तो इसमें से एक लेज़र निकलती है और वापस आती है और आपको ये बताती है कि टारगेट का डिस्टेंस कितना है, कितने 100 गज पे है, 200 गज पे है, 300 पे है, 700 पे है और 800 पे है। लॉन्ग रेंज शूटिंग के लिए ये एक लाजिम एक इक्विपमेंट है, एक टूल है। बाज़ार में 8-9 हज़ार रुपये का मिल जाता है, पाकिस्तान में शायद ना मिले, बाहर मिल जाता है आसानी से। और लेज़र रेंज फाइंडर के बगैर
कोई लॉन्ग रेंज शूटिंग आसानी से नहीं हो सकती, आपको बहुत एमुनेशन ज़ाया करना पड़ता है। और अगर आप रियल बैटल एनवायरनमेंट में हैं तो दुश्मन को पता चल जाता है कि आप कहाँ हैं, क्योंकि आप तुक्के में पहले फायर करते हैं देखने के लिए कि रेंज कितनी है, टारगेट कितना है। इससे आपको एग्जैक्ट मालूम हो जाता है कि दुश्मन 400 गज़ पे है, 350 गज़ पे है, टारगेट जो आपने लगाया है 200-250 गज़ पे, और आप उसी के मुताबिक राइफल को सेट करके फिर एग्जैक्ट फायर कर सकते हैं। सो लेज़र रेंज फाइंडर एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। और जब आप रेंज पर जाते हैं तो आपके साथ लाजमन एक छोटा सा मेडिकल किट होना चाहिए, इसमें इमरजेंसी की दवाइयाँ, डिटॉल, रुई, कॉटन, बिकॉज अक्सर हथियारों का इस्तेमाल करते हुए बोल्ट में उंगली आ जाती है, हाथ आ जाते हैं, जख्मी हो जाती है, बहुत हर किस्म, जब हथियार का खेल है, आतिशी असला है, तो चोट लग सकती है, और उसके लिए आपके पास मेडिकल किट लाजमन एक होना चाहिए। ये ईयर गार्ड्स हैं, नॉर्मली जब आप भारी हथियार फायर करते हैं, मुसलसल बहुत ज़्यादा आसपास लोग फायर कर रहे हैं या आप भी, तो कानों के पर्दों को बहुत नुकसान पहुंचता है, एक प्रोटेक्शन डिवाइस कानों के लिए ज़रूरी। और फिर उसके बाद जब आप फायर कर लेते हैं तो फिर आपको गन को साफ भी करना होता है, तो गन क्लीनिंग किट पूरा है इसके लिए, मुख्तलिफ हथियारों के लिए, पिस्टल्स के लिए, राइफल्स के लिए, शॉटगन्स के लिए अलग किट्स आते हैं, तो एक गन क्लीनिंग किट जो है वो प्रॉपर आपके पास होना ज़रूरी है। सो बेसिकली हमने आपको ये बताया कि अब इस इक्विपमेंट को हम अपने साथ लेकर रेंज पे जाएंगे, और रेंज पे हम इनको डिप्लॉय करके वहाँ पे आपको देखेंगे कि हमने इनको किस तरह सेट किया है, और फिर हम आपको फायर करके इसकी फायरिंग डेमोंस्ट्रेशन देंगे। तो बिस्मिल्लाह आइए रेंज पे चलते हैं। आज हम रेंज पे आए हुए हैं और आपको सारे हथियारों की डेमोंस्ट्रेशन हमने देनी है। आपको पिछली मरतबा हमने बताया था कि पिस्टल जो 9mm का है, जब आप रेंज पे जाएंगे तो आप इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे, तो ये स्टूगर टर्किश 9mm पिस्टल, और इसकी फायरिंग डेमोंस्ट्रेशन आज हम आपको देंगे। आपको मैगजीन लोड करना पहले सिखा दिया गया था, इसको ड्रॉ करके फायर करना, ये सब तरीके आपको थ्योरी में बता दिए थे, आज इसकी प्रैक्टिकल डेमोंस्ट्रेशन है। सो बेसिकली दिस वेपन वुड बी इन द होल्स्टर, और इसको फायर करने का तरीका ये होता है कि जब आप किसी सिचुएशन में जाते हैं तो पहले आप इसको ड्रॉ करते हैं और साथ साथ इसको चैम्बर करते हैं, और इसी मोशन में आप इसकी सेफ्टी हटाते हैं, एंड देन यू आर रेडी टू फायर। और पहला फायर ये करने के बाद रिवॉल्वर एक्शन में सेमी ऑटोमेटिक मोड में आ जाएगा, इसका हैमर पीछे रुक जाएगा और ये खुद ब खुद आगे दोबारा जाकर फायर करता रहेगा, और आप सेमी ऑटोमेटिक मोड में इसको अपने टारगेट पे फायर कर सकते हैं। जब आपने फायर ख़त्म कर लिया, गोलियां इसमें अभी एक राउंड चैम्बर में है और आप फायर नहीं करना चाहते, तो सेफ्टी वाले पिस्टल का यही एडवांटेज है कि आप सेफ्टी लगाएंगे और ये हैमर वापस सेफ पे चला जाएगा। अब ये राउंड चैम्बर में है, गन फायर नहीं करेगी, मैं इसको दोबारा अपने होल्स्टर में लगा सकता हूँ, और नेक्स्ट टाइम अगर मैंने फायर करना है तो मुझे सिर्फ निकाल कर सेफ्टी हटानी है, एंड इट विल फायर अगेन। और फायर होने के बाद आपने देखा कि ये पीछे आके रुक जाएगा, ये उस सिग्नल होता है कि अब आप मैगजीन चेंज करेंगे। आप इसमें एक मैगजीन निकालते हैं, इसको आप ड्रॉप कर दें, यू टेक आउट द अदर मैगजीन, वो इसमें लोड करेंगे, और यहाँ से आप सिर्फ इस लीवर को नीचे गिराएंगे और गन दोबारा फायर करने के लिए तैयार होगी। दोबारा हम सेफ्टी रिमूव करेंगे, नाउ द गन इज सेफ एंड आई कैन पुट इट बैक। सो ये डेमोंस्ट्रेशन आपने 9mm पिस्टल की देखी, मैगजीन लोड करने से लेकर इसको सेफ करके वापस और मैगजीन चेंज, ये छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन। इसकी प्रैक्टिस आप रेंज पे आर्मी के साथ या पुलिस के साथ जाके करेंगे, किसी इंस्ट्रक्टर के बगैर खुद प्रैक्टिस नहीं कीजिएगा। अब हम आपके सामने पंप एक्शन शॉटगन को इस्तेमाल करने की छोटी सी डेमोंस्ट्रेशन देंगे। जैसे कि आपको बताया था कि होम डिफेंस के लिए ये सबसे रिलायबल हथियार है, और पंप एक्शन क्यों कहते हैं इसको, वो अभी आप देख लेंगे जब हम इसको फायर करके आपको दिखाएंगे कि एक राउंड फायर होने के बाद आप इसको पंप करते हो, पुराना कारतूस निकल जाता है, नया कारतूस जगह पर आता है, और आप फिर इसको फायर कर सकते हो। 5 या 7 राउंड इसमें आते हैं, और ये होम डिफेंस के लिए सबसे रिलायबल हथियार है। ये शॉटगन के कारतूस, ये इनको लोड किया जा रहा है, 1 राउंड, दूसरा राउंड, तीसरा राउंड, चौथा राउंड, और ये 5वां राउंड। अब ये 5 इसमें लोड हो चुके हैं, और मैगजीन से चैम्बर में लाने के लिए आप इसको पंप करते हैं। अब ये राउंड 1 पहला राउंड चैम्बर में आ गया है,
आप इसकी ये सेफ्टी है, सेफ्टी हटाइए एंड नाउ यू आर रेडी टू फायर। ये 5 राउंड हमने फायर किए और आपने ये देखा कि हमने इसमें 4 नंबर के कारतूस डाले थे। इसका मतलब है कि 70 गज के ऊपर तकरीबन ये 3-4 फुट का एक डिस्पर्सल है छर्रों का, जो जाएंगे और अपने टारगेट को हिट करते हैं। इसीलिए इसको शिकार में इस्तेमाल करते हैं या पुलिस लॉ इन्फोर्समेंट से इस्तेमाल करती। कश्मीर में इंडियन आर्मी हमारे भाइयों के खिलाफ यही शॉट गन इस्तेमाल कर रही है, क्योंकि इसमें छर्रे हैं जिसको पैलेट वाली गन कहते हैं। सो नाउ यू हैव सीन इट कि शॉट गन को, इस पंप एक्शन को इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसका झटका कितना है, और चूंकि इसके छर्रे फैल के जाते हैं लिहाजा अगर एक शॉट गन आपके पास है तो घर में दाखिल होने वाले 100 हिंदुओं को भी, 100 इंडियंस को, 100 खवारिज को भी आप एक वेपन से रोक सकते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि दिस इज AK-47 क्लाशनकोफ, और गो के ये दुनिया की सबसे खतरनाक राइफल है, लेकिन दुनिया की सबसे आसान राइफल भी है। और आज हम इसकी डेमोंस्ट्रेशन आपको देंगे कि इसको किस तरह से आप फायर कर सकते हैं। और उससे पहले थोड़ा सा आपको बताना ज़रूरी है, ये इसका मैगजीन है, इसके अंदर 30 राउंड आते हैं। इस मैगजीन को आप यहाँ पर लोड करते हैं और इसी तरह इसको बाहर निकाल लेते हैं। मैगजीन लोड करने के बाद ये स्विच डिसाइड करता है कि इसकी सेफ्टी लगी हुई है, ये ऑटोमेटिक मोड पे है या ये सेमी ऑटोमेटिक मोड पे है। तो आप एक वक्त में जब आप सेफ्टी हटा, जब सेफ्टी लगी हुई है तो ना तो आप इसको कॉक कर सकते हैं ना ये फायर करेगी, लेकिन जब सेफ्टी हटाते हैं तो आप ये फैसला करते हैं कि मैंने इसको ऑटोमेटिक में फायर करना है या सेमी ऑटोमेटिक में, और उसके बाद आप इसको कॉक करके आप इसको फायर के लिए तैयार करते हैं। अब एक राउंड यहाँ से मैगजीन से निकलकर चैम्बर में चला गया, अब आपने इसकी सेफ्टी दोबारा लगा दी और अब आप इस गन को अपने साथ फिरा भी सकते हैं। जब बहुत हाई सिक्योरिटी सिचुएशन होती है तो राउंड चैम्बर करके और सेफ्टी लगा ली जाती है, और ज़रूरत के वक्त सिर्फ आपको सेफ्टी हटानी पड़ती है और आप फायर कर सकते हैं। बहुत आसान गन है, इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। इसकी ये साइट्स हैं जो डिसाइड करती हैं कि किस रेंज पर आपने हिट करना है, 100 गज, 200 गज, 300 गज, 400 गज, 800 गज तक। ये साइट्स को आगे पीछे करके आप डिसाइड करते हैं जो टारगेट की रेंज कितनी है, उसके मुताबिक आप इसको सेट करते हैं यहाँ पे। बाकी इसमें कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है, सिंपल एम लें, सेफ्टी हटाएं एंड यू आर रेडी टू फायर। और फायरिंग डेमोंस्ट्रेशन अब हम आपको दिखाएंगे। ये आप देखेंगे कि AK-47 प्राइमरीली एक असॉल्ट राइफल है, यानी आप मुख्तलिफ स्पेशल फोर्सेस कमांडोज जब रेड के लिए जाते हैं तो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन AK-47 ही में ये कैपेबिलिटी है कि आप इसमें एसेसरीज लगा के इसको एक स्नाइपर राइफल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं और इसको एक लाइट मशीन गन भी बना सकते हैं। यानी अगर हम इसके नीचे जो लगा हुआ स्टैंड है, इस स्टैंड को हम बाहर निकाल लें, सो नाउ एक असॉल्ट राइफल के तौर पर भी यूज़ हो सकती है। इसको हम ज़मीन पर रख के बायपॉड के ऊपर अगर फायर करें तो ये एक सिंगल फायर स्नाइपर राइफल भी बन सकती है। इसमें टेलीस्कोप लगाई जा सकती है जो इस वक्त हमने नहीं लगाई हुई, और अगर हम इसको ऑटोमेटिक पर डाल दें तो एक्चुअली लाइट मशीन गन की तरह एक हैवी रेट ऑफ फायर के साथ, एक भारी फायर अगर आपने दुश्मन पर गिराना हो। गज़वा हिंद में इंडियन आर्मी दाखिल होती है, पाकिस्तान आर्मी के जितने भी सिविलियंस हैं उनको पाक फ़ौज के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ जहाद करना होगा। वो खूबसूरत तरीन जहाद है, कोई मुसलमान उसको नहीं छोड़ना चाहेगा। तो उस सूरत हाल में जब पाकिस्तानी मुसलमान पाकिस्तान आर्मी के साथ मिलकर इंडिया के खिलाफ गज़वा हिंद करेंगे तो दे शुड नो कि आप एक ही राइफल को मुख्तलिफ मोड्स में किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं, लेके कैरी कर सकते हैं एक पॉइंट लोकेशन पे। इंडियन आर्मी अगर अल्लाह ने खुदा ना खास्ता पाकिस्तान में दाखिल होती है तो उसको रोकने के लिए आप सिंगल फायर या ऑटोमेटिक लाइट मशीन गन मोड में इसको किस तरह कर सकते हैं, ये अब हम आपको दिखाएंगे। ये गन को मैंने सेफ्टी सेलेक्टर स्विच का हटाया, इसको सेमी ऑटोमेटिक मोड पे किया, नाउ वी आर गोइंग टू कॉक द गन, नाउ इट इज रेडी टू गो अगेन। We are making it into automatic mode. अब ये light machine gun बन गई।
इंशाल्लाह कोई इंडियन आर्मी का बदबख्त पाकिस्तान में दाखिल नहीं हो सकेगा। अब मैं इसको सेलेक्टर स्विच सिंगल फायर पे करके और अब सिंगल शॉट एक एक करके इसको फायर करेंगे। टारगेट हमारा 250 गज पे है। कैमरे से आप इसको यहाँ से नहीं देख सकेंगे, सो बेसिकली विल शो यू द टारगेट लेटर, विल ट्राई नाउ। प्लेट पे लगी ना? यस सर, मिडिल में भी। अल्हम्दुलिल्लाह। यस सर, 8 बजे सर प्लेट पे लगी है। मूव करिए सर प्लेट में। 250 गज के ऊपर एक 7 इंच बाय 7 इंच की एक तकरीबन एक प्लेट पे हमने हिट किया और माशाल्लाह 3 में से 2 राउंड उसको हिट किए। एक चीज़ जो आपको जहन में रखनी है वो ये कि इस राइफल में रेंज सेलेक्टर स्विच अवेलेबल, रेंज सेलेक्टर ग्रेटिंग्स हैं, मार्किंग्स हैं। आपने अगर 300 गज पे टारगेट रखा हुआ है तो आप इस साइट को 300 गज पे आगे मूव कर देंगे, 600 गज पे है तो आगे 600 गज पे मूव कर देंगे। तो हमें चूंकि 250 गज रेंज फाइंडर से हमने पहले मालूम कर लिया था इसकी रेंज, तो हमने इसको 250 गज पे रखा और नाउ इट इज हिटिंग एग्जैक्टली द बुल्सआई। अब हम इसको ऑटोमेटिक के ऊपर करके थोड़ा सा हैवी रेट ऑफ फायर के साथ लाइट मशीन गन मोड में इसको फायर करेंगे। जब आप इसको लाइट मशीन गन मोड में फायर करते हैं तो देन द फायरिंग इज नॉट वेरी एक्यूरेट। इसका मकसद किसी एक पिन पॉइंट टारगेट पर हिट करना नहीं होता बल्कि एरिया फायर गिराना होता है कि दुश्मन के 150 आदमी अगर दाखिल हो रहे हैं तो उनको रोकने के लिए, दुश्मन के एक बड़ी नफरी को रोकने के लिए, उस पर दहशतदारी करने के लिए, देन यू गो फॉर दी ऑटोमेटिक फायरिंग मोड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम आपको इंट्रोडक्शन करा रहे हैं 7mm हंटिंग राइफल का। एमरजेंसी की सूरत हाल पड़ती है, आपको शिकार की ज़रूरत पड़ती है, खाना तलाश करना पड़ता है अपनी फैमिली के लिए, तो उसके लिए 7mm की राइफ़ल एक बड़ी अच्छी पूरी दुनिया में रिलायबल हंटिंग राइफ़ल के तौर पर मशहूर है। ये एक बोल्ट एक्शन राइफ़ल है जिसके ऊपर आप देख रहे हैं कि टेलीस्कोप लगी हुई है और ये लॉन्ग रेंज यानी 400 गज, 500 गज, 600 गज, 700 गज तक ये हिरन का शिकार कर सकती है। और बोल्ट एक्शन है, आपने बोल्ट खोला इसका, यहाँ पर इसके 2-3-5 राउंड चले जाते हैं, आपने इसको बंद किया और बंद करके आप निशाना लेते हैं टेलीस्कोप के थ्रू और फायर करते हैं। इसके अंदर जो राउंड इस्तेमाल होता है वो क्लाशनकोफ से बड़ा है, कंपैरेटिवली 7mm का ये हंटिंग राउंड है, आम मिल जाता है। ये लाइसेंस पे आसानी से मिल जाती है, आप अगर चाहें तो जब आप लाइसेंस लेना चाहें तो आप एक हंटिंग राइफ़ल का लाइसेंस ले सकते हैं जिसमें आप ये 7mm की बोल्ट एक्शन राइफ़ल, आगे बाईपॉड्स लगे हुए हैं, इसका मतलब है कि आप इसको ज़मीन पर लगा कर बहुत प्रॉपरली एम कर सकते हैं और फायर कर सकते हैं। इसकी फायरिंग डेमोन्स्ट्रेशन हम दिखाएंगे थोड़ी देर के बाद आपको। चूंकि बोल्ट एक्शन है लिहाजा रेट ऑफ फायर इसका बहुत आहिस्ता है, एक फायर करेंगे फिर उसके बाद इसका बोल्ट निकालेंगे, फिर इसको एम करेंगे, फिर फायर करेंगे और इस तरह, क्योंकि शिकार में इस्तेमाल होने लिहाजा कोई अर्जेंसी नहीं है, कोई जल्दी नहीं है। इससे एडवांस राइफलें मुसल्ला अफवाज पाकिस्तान आर्मी इस्तेमाल करती है स्नाइपिंग के लिए, वो स्नाइपर राइफल जो है वो तकरीबन यही प्रिंसिपल है, इसी तरह की राइफ़ल होती है, बोल्ट एक्शन होती है, टेलीस्कोप लगा होता है, लेकिन वो मुशरिकों का या खवारिज का शिकार करने के काम आती है। सिविलियंस को हमें, हमारी ज़रूरत हंटिंग है, शिकार है। और अगर कभी हिंदुस्तान मुशरिक या खवारिज हमारी सफ़ों में दाखिल होते हैं तो पाक फ़ौज के हमरा पाकिस्तान के दिफा के लिए भी फिर ये राइफ़लें इस्तेमाल हो सकती हैं। लीगल हैं, लाइसेंस भी मिलती हैं, लीजिए प्रैक्टिस कीजिए और अपने आप को ग़ज़वा हिंद के लिए तैयार रखिए।
कहाँ लगा? सर राइट पे सर। सर 7 बजे 2.5 फुट। 7 बजे? यस सर। और कितना दूर? 2 फुट सर। नीचे? नीचे सर, सर साइड पे, लेफ्ट पे नीचे लगी है ना? जी सर। अच्छा, आप इसको फिर ठीक होना चाहिए। दिस राउंड टेक्निकली शुड बी ऑन इट और क्लोज टू इट। वेट, अब देखें आप। थोड़ा करीब हुआ। कहाँ लगा? सर वहीं पर ही। 7 o'clock पे लगा? 7 o'clock। 2 फुट दूर था? अभी 1.5 फुट दूर हो गया, थोड़ा सा और करीब हो गया टारगेट से। अच्छा ठीक हो गया, एक सेकंड। गन 7 बजे पे ही मार रही है। मैं वह देख रहा हूँ ना कि मैंने सेटिंग इसकी जो मैं कर रहा हूँ। अब देख बच्चे, अब टारगेट के करीब हुआ या टारगेट से दूर गया, ये देखना है आपने। यस सर। सर आपने अभी चेन पे मारा सर, लेफ्ट वाली चेन पे लगा। नहीं, वो पीछे फंसता है। अच्छा, वो फंस जाता है थोड़ा सा। अब इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी, इंशाल्लाह इट्स गोइंग टू बी ऑन इट और वेरी क्लोज टू इट। कहाँ गई है? बिल्कुल कोने पे सर, थोड़ा ऊपर। ग्रे और हमारी लोहे की स्टील के वाइट के बीच में मारा नीचे, बिल्कुल 6 बजे। लेट पे लगी ना? यस सर। अब गन 250 गज पे जीरो है। आपने देखा कि हमने रेंज पे किस तरह फायर किया। अब इंशाल्लाह इंडिया की तरफ से अगर कोई भी थ्रेट पाकिस्तान को होता है तो हर पाकिस्तानी पाकिस्तान के दिफा के लिए पाक फौज के साथ गज़वा हिंद में हिंदू मुशरिकों के खिलाफ मसल्ला खड़ा हो सकता है। ये वीडियो रेंज की और ट्रेनिंग, फायरिंग प्रैक्टिस और ट्रेनिंग की थी। इसके बाद लेकिन जो अगली वीडियो होगी, जाहिर जब आप हथियार फायर करते हैं फिर हथियारों की मेंटेनेंस भी आती है, उनकी सफाई भी आती है। गाड़ी में अगर आप तेल पानी चेंज ना करें तो ब्रांड न्यू मर्सिडीज भी होगी तो चंद दिनों में उसका बेड़ा गर्क हो जाएगा। यही हाल हथियार का। हथियार को अगर आप साफ ना करें, इसको मेंटेन ना करें, इसकी सफाई ना करें तो हथियार जंग आलूद हो जाता है, ख़राब हो जाता है। और तलवारों को जब जंग लग जाए तो इससे बड़ी शर्मनाक बात कोई नहीं होती। तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम आपको हथियारों की मेंटेनेंस सिखाएंगे कि अपनी गन्स को मेंटेन कैसे करते हैं, इनको साफ कैसे रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर हिंदू मुशरिकों का सर कैसे तोड़ते हैं। जज़ाकल्लाह खैर।